अब दिस इज़ यू कैन सी इन दिस प्रेजेंटेशन यू कैन सी कि हमारे पास असेंबली कोड कुछ दिखता कैसा है सो दिस इज सम एग्जाम्पल ऑफ असेंबली कोड तो इस असेंबली uh, कोड को हम बाद में चेक करेंगे कि कैसे जनरेट किया जा सकता है वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस असेंबली कोड हाउ कैन वी जनरेटिड अब देखो ये दिखा रहा है हमारे पास कुछ असेंबली कोड असेंबली इंस्ट्रक्शंस ठीक है तो असेंबली इंस्ट्रक्शंस में uh, हम लोग इसको बाद में स्टडी करेंगे कैसे जनरेट करते हैं हाउ कैन वी जनरेट जनरेटिंग दिस असेंबली कोड इज़ ऑलसो वेरी ईजी बहुत आसान है इसको जनरेट करना अभी बस समझो कि कैसी असेंबली कोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या नाम यूज़ करते हैं जैसे अगर हमारे पास असेंबली कोड है लोड ए मेमोरी यानी कि मेमोरी से डेटा को रजिस्टर ए के अंदर लोड कर दो राइट right? उसी तरीके से लोड बी मेमोरी ओके यानी कि जो भी मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उसका जो डेटा है वो रजिस्टर बी के अंदर लोड कर दीजिए ओके okay. उसी तरीके से हमारे पास है कॉन बी कॉन यानी कि लोड अ कॉन्स्टेंट वैल्यू इंटर रजिस्टर बी मतलब कहने का मतलब है कि हम जब यहाँ पर कॉन बी का मतलब है इसका मतलब है कॉन बी कॉमा फाइव यानी कि फाइव वैल्यू को रजिस्टर बी के अंदर लोड कर दीजिए ओके okay? उसी तरीके से यू हैव एड इंस्ट्रक्शन लाइक एड एंड बी एंड स्टोर द रिज़ल्ट टू सी तो ए और बी को एड करो उसका रिजल्ट सी के पास स्टोर करो उसी तरीके से मल इंस्ट्रक्शन हो सकती है यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट सो राइट नाउ डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन टू दिस ये इस पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ओके okay? तो जस्ट जस्ट फॉर योर प्रेफरेंस परपज़ आई हैव गिवन दिस प्रोग्राम क्योंकि इस आई I मीन mean, इस असेंबली कोड को यूज़ करके आई हैव रिटर्न दिस फैक्टोरियल फंक्शन सो इफ़ यू रिमेंबर इट तो यू कैन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम है राइट right? तो फैक्टोरियल नंबर को आप एक रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिख सकते हैं यू कैन ऑलसो राइट अ नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम तो यहाँ पर यह चेक करेंगे इफ़ यू चेक इट सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर ये एक नंबर का फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टोरियल ऑफ अंबर and this program is written in a programming language. Maybe it is written in C language. ये yes, C language एक program है जिसको हमने यहाँ पर एक high level language के अंदर लिखा है Then you can see जो आपका C compiler है C compiler translates this program into this kind of assembly code. तो जो आपका C compiler है वो इस program को इस तरह के assembly code के अंदर translate करता है And in this assembly code वी हैव यूज ऑल ऑफ़ दीज इंस्ट्रक्शन यही वाली इंस्ट्रक्शन जो है हमने इस असेंबली कोड में यूज़ की है ओके सो बेसिकली जो भी आपका असेंबली कोड होगा वट एवर असेंबली कोड यू हैव सो दैट असेंबली कोड विल बी डिपेंडेंट ऑन योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर ठीक है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था इफ़ यू कम बैक हीयर अगर आपको याद हो तो आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपके तीन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं सबसे पहला जो कॉम्पोनेट है आपका वो है सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट जैसे ये जो दोनों कॉम्पोनेंट हैं ये आपका सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है करेक्ट और ये जो असेंबली कोड है जो असेंबलर असेंबली कोड आपको मिला है दिस असेंबली कोड विल बी डिपेंडेंट ऑन योर हार्डवेयर या आपके हार्डवेयर के अंदर डिपेंडेंट होगा जैसे कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसेसर कैन सपोर्ट अ इंस्ट्रक्शन ऐसा हो सकता है कुछ दूसरा ऐसा प्रोसेसर है जो कि इस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं करता तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर आपका असेंबली कोड डिपेंडेंट होता है ओके okay? सो फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज़ सम सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन जो कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसी इस प्रोग्राम को हमने इस असेंबली कोड में कन्वर्ट किया ओके okay? लेटर हम हम इसको बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे जब आप कंपाइलर डिज़ाइन स्टडी करेंगे राइट कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर मेरे साथ अगर आप कंपाइलर डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डेप्थ में बताऊँगा कि एक प्रोग्राम को लिखने से लेकर उसको असेंबली कोड तक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने तक पूरी प्रोसेस क्या होती है और किसी प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो इसका जो गैप है ये जो पूरा गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है इस पूरे गैप को ये जो पूरा गैप है इस गैप को हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंदर तो जो दूसरा आपका कॉम्पोनेंट है वो है लॉजिक गेट तो बेसिकली जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं दैट देट दैट दैट आर कॉल्ड एज डिजिटल कंप्यूटर्स राइट आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं सो वी हैव टू काइंड ऑफ सिग्नल दो तरह के सिग्नल आपके पास हो सकते हैं द फर्स्ट काइंड ऑफ सिग्नल इज़ योर एनालॉग सिग्नल एंड सेकेंड काइंड ऑफ सिग्नल इज़ योर डिजिटल सिग्नल ठीक है जैसे आपके पास एनालॉग सिग्नल है एनालॉग सिग्नल का मतलब ये है कि जो भी आपके पास सिग्नल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा दैट मीन्स द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ़ द सिग्नल मैटर्स कहीं पर एम्पलीट्यूड कम हो सकता है कहीं पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो सकता है द एम्पलीट्यूड वैल्यू मैटर्स और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं दे ट्रैवल इन दिस फॉर्म आइदर दे विल बी वन और दे विल बी जीरो दे विल बी वन और दे विल बी जीरो लाइक दिस तो इस तरीके से आपका डिजिटल सिग्नल ट्रैवल होता है सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास वन वैल्यू है वन को हम प्लस सिक्स वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपकी ज़ीरो वैल्यू है हम उसको प्लस थ्री वोल्ट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ओके बट देन वाई डोंट वी यूज़ दिस एनालॉग सिग्नल हम एनालॉग सिग्नल को अपने डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज़ नहीं क्यों नहीं करते हैं? तो बेसिकली इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप एनालॉग सिग्नल को यूज़ करेंगे देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ़ डिस्टोर्शन इन द सिग्नल जैसे आप सिग्नल को लेटर सपोज यू आर सेंडिंग द सिग्नल ओवर अ वायर और यर सेंडिंग द सिग्नल ओवर अ नेटवर्क आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के साथ सिग्नल को सेंड कर रहे हैं सो so ओबियसली जो भी हम सिग्नल को सेंड करते हैं सो देर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ डिस्टोर्शन दैट कैन बी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिस्टोर्शन तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिस्टोरशंस हमारे पास हो सकती है सो इफ यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टोशन तो अगर आपका यहाँ पर सिग्नल का जो वैल्यू है वो यहाँ पर ऐसे कुछ करप्ट हो गया देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दीज वैल्यूज़ परफेक्टली इसको आप प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाएंगे बट इन केस ऑफ अ डिजिटल सिग्नल इवन इफ देयर सम डिस्टोशन हियर अगर यहाँ पर कुछ डिस्टोशन भी ऑकर होता है स्टिल वी विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट डिस्टोशन बिकॉज डिस्टोशन जो है उसके बाद भी इट इज़ पॉसिबल टू रीड अ डिजिटल सिग्नल उसके बाद भी डिजिटल सिग्नल को रीड करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है सो डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू नॉइस नॉइस होने के बाद भी वी कैन गेट द सिग्नल परफेक्टली बट इन केस ऑफ अनलॉक सिग्नल इफ़ देर सम काइंड ऑफ डिस्टोशन इफ़ देयर सम काइंड ऑफ नॉइज़ तो हम एनलॉक सिग्नल को हम यूज़ नहीं कर सकते ओके okay? अब सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है इनआर कंप्यूटर वी शुड यूज़ डिजिटल सिग्नल हमें अनलॉक सिग्नल को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि डिजिटल सिग्नल में डिस्टोशन की जो प्रिंसिपल मतलब डिस्टोशन जो है वो कम होगा ठीक है अंडरस्टूड अब अगर हमने डिजिटल को यूज़ करना है डिजिटल सिग्नल को यूज़ करना है तो अब हम उसके ऊपर डिफाइन करेंगे लॉजिक्स कि हम अगर अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस पर क्या क्या लॉजिक हम परफॉर्म कर सकते हैं तो उसके लिए हमने कुछ लॉजिक गेट्स का इन्वेंशन किया जैसे आपके पास एक लॉजिक गेट है नॉट एंड नैंड और नॉर एक्स एंड एक्सनॉर तो हम सभी लॉजिक गेट को काफ़ी इन डेप्थ में स्टडी कर चुके हैं आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है आपको एक करने की ज़रूरत है बट अगेन हम सभी चीज़ों को बहुत जब्स में कवर कर चुके हैं राइट right? अब इसमें से कुछ ऐसे लॉजिक गेट है जैसे नैंड एक लॉजिक गेट है और नॉर एक लॉजिक गेट है ये जो दोनों लॉजिक गेट है वो यूनिवर्सल है या फिर कहो कि बोथ ऑफ दिस टू लॉजिक गेट्स आर फंक्शनली कम्प्लीट ये जो दोनों लॉजिक गेट है ये फंक्शनली कम्प्लीट है ना वट डू यू रियली मीन बाय फंक्शनली कम्प्लीट फंक्शनली कम्प्लीट का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी बुलियन एल्जेब्रा का लॉजिक दे दिया जाए फिर अगर हमें कोई भी डिजिटल को लॉजिक को दे दिया जाए हम सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से या सिर्फ गेट की हेल्प से हम उस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास ओनली नॉट गेट हो तब भी आप नहीं कर पाएंगे ओनली एग्जॉर हो तब भी नहीं कर पाएंगे ओनली और हो तब भी नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास नैंड गेट है और आपके पास गेट है नैंड या नॉट कुछ भी गेट हो आप उसे एक सभी सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज फंक्शनली कम्प्लीट तो जो भी आपके डिजिटल सर्किट है ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप किसी भी सर्किट को यूज़ करें फंक्शनली कंप्लीट होने की हेल्प से ओके okay? फिर हमने एक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था एडर्स ठीक है आपने इन सभी से एक एडर के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था राइट right? तो एडर में हमने कुछ एडर्स को डिस्कस किया था इफ़ यू रिमेंबर इट और जो कॉलेज में पढ़ चुके हैं जो ई एस के स्टूडेंट्स हैं आप सभी ने कॉलेज में भी पढ़ा है इन योर बी टेक तो आपके पास जो एडर है यू हैव वेरियस काइंड ऑफ एडर यू हैव समिंग कॉल एज ए हाफ एडर आपने हाफ एडर को डिस्कस किया था या समिंग कॉल एज ए फुल एडर आपने फुल एडर को भी डिस्कस किया था या समल एडर पैरल एडर फिर आपके पास था यहाँ पर रिपल कैरी एडर राइट रिपल कैरी एडर करेक्ट रिपल कैरी एडर के बाद आपने डिस्कस किया था यहाँ पर सो बेसिकली पहला एडर रिपल कैरी एडर दोनों एक तरह एक ही कॉन्टिन्यूसली सेम ही है मोस्ट ऑबली फिर आपके पास आता है यहाँ पर कैरी लुक अड एडर लुक अ हैड एडर ठीक है वी हैव स्टडीड दीज एड्रेस हम सभी एड्रेस को डिस्कस कर चुके हैं एंड फ्रॉम दिस कैरी लुक एड एडर जो लास्ट में आपने डिस्कस किया था दैट वॉज योर पैरेलल सीरियल एडर जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था वो आपका सीरियल एडर था ठीक है अब बेसिकली जो भी हम डिजिटल सर्किट्स को बनाएंगे जो भी हमारे पास डिजिटल कॉम्पोनेट्स हैं हम सभी को एक आईसी नंबर देंगे देसी समथिंग कॉल्ड एज ए आईसी नंबर टू ईच ऑफ दिस डिजिटल सर्किट्स ताकि अगर हमें कल को उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम सिंपली इस आई नंबर को लें एंड यूजिंग दिस आई सी नंबर वी शुड बी एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ठीक है तो सबसे पहला आपका एडर था वो था आपके पास हाफ एडर हाफ एडर इज़ तो यूज टू एड टू बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दो बिट्स को एड करने के लिए तो ये जो डायग्राम है दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग योर हाफ एडर राइट जैसे अगर आप ज़ीरो प्लस ज़ीरो करेंगे तो सम इज़ ज़ीरो एंड योर कैरी इज इज़ीरो अगर आप ज़ीरो प्लस वन करेंगे सो योर सम इज़ वन एंड योर कैरी इज़ ज़ीरो राइट तो यहाँ पर जो एक नंबर है ज़ीरो हम इसको ए के अंदर दे सकते हैं दिस जीरो वी कैन गिव इट टू बी और इसके अंदर हमें बताएगा कि सम क्या आ रहा है आपके पास और कैरी यहाँ पर क्या आ रहा है सो दिस इज प्रजेंटिंग यर हाफ एडर ओके सो हाफ एडर इज़ यूज टू एड टू बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देन यू हैव अ फुल एडर फिर आपके पास एक फुल एडर था अब फुल एडर का कॉन्सेप्ट यह था कि हमें तीन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है जैसे जीरो प्लस वन प्लस वन तीन बीट इन्फॉर्मेशन है यू आर गोइंग टू एड थ्री बिट्स तो इसका सम क्या रहेगा सम विल भी जीरो एंड कैरी विल बी वन तो इसका जो सम है और जो कैरी है वो हमें इस फुल एडर से यहाँ से मिल जाएगा ओके जनरली ये इसका सर्किट डायग्राम है लेकिन हम इसको कुछ ब्लॉक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दैम एज ए ब्लॉक डायग्राम हम इसको ब्लॉक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ब्लॉक डायग्राम के अंदर आई कैन से दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फुल एडर ये एक फुल एडर है और इस फुल एडर के अंदर हमारे पास तीन इनपुट है द इनपुट इज़ ए द इनपुट इज बी द इनपुट इज सी इट विल गिव अस अ सम इट विल गिव अस अ कैरी ये हमें एक सम और कैरी को देगा ओके okay? देन दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग यू आर फोर बिट रिपल कैरी एडर दट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यल एडर तो यहाँ पर हमने इसके बाद एक रिपल कैरी एडर को डिस्कस किया था या फिर पैलल एडर और रिपल कैरी एडर का कॉन्सेप्ट क्या था इफ़ यू रिम्बर इट तो हमारा कॉन्सेप्ट यह था कि हमारे पास कुछ ऐसी कुछ फोर बिट्स के नंबर हैं जैसे हमारे पास एक नंबर है लाइट सपोज वी है वन वन जीरो वन राइट द सेकेंड नंबर इज आई थिंक आई शुड राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर सो इट इज वन वन ज़रो वन द सेकेंड नंबर इज वन ज़ीरो वन वन ओके तो जब आप इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा वन प्लस वन इसका आपके पास एक सम आएगा विद दैट सम यू आर ऑल्सो गोइंग टू जनरेट अ कैरी उसके साथ आप एक कैरी को भी जनरेट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे सेकेंड केस में तो हमें बेसिकली यहाँ पर थ्री बिट्स को ही ऐड करना है वी हैव टू एड थ्री बिट्स अगेन वी आर गोइंग टू गेट अ सम एंड फ्रॉम हियर अगेन वी आर गोइंग टू गेट अ कैरी अगेन वी आर गोइंग टू गैट अ सम अगेन वी आर गोइंग टू गैट अ कैरी तो बेसिकली हम जब पैडल एडर की बात करते हैं देट मीन्स वी आर एडिंग दीज बिट्स पैडल तो पैडल एडर के अंदर एडस्यूम आपकी जो पहली नंबर है दैट इज ए जीरो ए वन ए टू एंड ए थ्री दीज आर द डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर द डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर इज बी जीरो बी वन बी टू एंड बी थ्री देन इफ यू एड ए जीरो एंड बी जीरो देन यू आर गोइंग टू गेट सम एस जीरो और जो इसका कैरी जनरेट होगा द कैरी दैट विल बी जनरेटेड बाय दिस इनका जो कैरी जनरेट होगा दैट कैरी विल बी गिवन एज ए इनपुट हियर सो लेट्स अज्यूम दैट कैरी इज सी वन इनका जो कैरी है वो सी वन है करेक्ट सो हियर आई विल गेट द सम एज एस वन बट द कैरी दैट विल बी जनरेटेड इज सी टू हेयर आई विल गेट द सम एज एस टू बट द कैरी दैट विल बी जनरेटेड इज सी थ्री हेयर द सम दैट आई विल गेट इज एस फोर एस थ्री एंड द कैरी दैट विल बी जनरेटेड इज सी फोर राइट तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सम की बिट्स आएंगे और कैरी की बिट आएँगी तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव यूज फुल एडर्स बिकॉज अगर आपको याद हो इफ़ यू चेक इट हियर तो यहाँ पर हर एक केस में इन एवरी केस वी आर ट्राइंग टू एड थ्री बिट्स ऑफ इफॉर्मेशन हर एक केस में तीन बिट की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं सो यानी कि इनको ऐड करने के लिए आई कैन यूज़ अ फुल एडर इनको ऐड करने के लिए आई कैन यूज़ अ फुल एडर इनको ऐड करने के लिए आई कैन यूज़ अ फुल एडर तो जितनी भी यहाँ पर केसेज है तो हर एक के लिए हम लोग फुल एडर को यूज़ कर सकते हैं द आउटपुट ऑफ वन फुल एडर कैन बी गिवन एज इनपुट टू द अदर फुल एडर करेक्ट तो यहाँ से हमने इस तरीके से एक रिपल कैरी एडर को जनरेट किया था इफ़ यू रिमेंबर आई थिंक आप सभी को याद होगा इट इज़ वेरी वेरी इजी तो हम लोग वहाँ से फुल एडर को मतलब रिपल, रिपल कैरी एडर को जनरेट कर सकते हैं अब जो रिपल कैरी एडर है फॉर दिस रिपल कैरी एडर वी रिप्रेजेंट दिस रिपल कैरी एडर विद द हेल्प ऑफ अ यू नो आई नंबर तो ये जो है ये आपका फोर बी ट्रिपलिंग एडर का आई नंबर है ठीक है आई नंबर क्या है आई नंबर इज़ लाइक अ रोल नंबर जैसे आप सभी का रोल नंबर हो सकता है क्लास के अंदर यू कैन से रोल नंबर सिक्स प्लीज़ खड़े हो जाओ रोल नंबर सिक्स कौन है सर हिमांशु है तो आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एवरी रोल नंबर यूनिकली ठीक है तो उसी तरीके से हम लोग हर एक डिजिटल सर्किट को एक आई नंबर देंगे सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई एवरी डिजिटल सर्किट यूनिकली क्लियर है इतना सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ ब्लॉक डाइग्राम ऑफ अ पैल एडर ठीक है